यहाँ पे लिखा है दोस्तों व्यक्ति, क्या लिखा है व्यक्ति, आधा व और य दोनों संयुक्त है, फिर यहाँ पे देखेंगे आधा क और त संयुक्त है, छोटी की मात्रा है, ऐसे व्यक्ति। तो व्यक्ति को कैसे लिखा जाएगा, देखिए उच्चारण पे आपको ध्यान देना है कि आधा व है फिर य है फिर आधा क और त, व को तेजी में पढ़ा जा रहा है और क को तेजी में पढ़ा जा रहा है, इसलिए व्यक्ति का प्रोनाउंसिएशन व को तेजी से पढ़कर और क को तेजी से पढ़कर किया जाता है, व्यक्ति व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है प्रस्तुत, तो देखिए प में पदेन र की मात्रा है, आधा स है, त में छोटी उ की मात्रा है, फिर त, प्रस्तुत प्रस्तुत, देखिए स को तेजी में हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आधा स है, और यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं प्र प्रस्तुत, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है निर्धन, क्या लिखा है निर्धन, यानी न में तो छोटी की मात्रा है नी, और देखिए ध के ऊपर जो रेफ का मात्रा लगा है, इस र को ध के हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, ये र का रूप है दोस्तों, इसको रेफ की मात्रा बोला जाता है, और न निर्धन कैसे पढ़ा जाता है, इसको निर्धन। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में एक कहानी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं राजा और माली, राजा और माली कहानी के माध्यम से मैं एक एक शब्दों को पढ़ना तो सिखाऊंगा ही, साथ में जितने कठिन कठिन शब्द हैं, जैसे ये सब शब्द अभी आप देखे हैं, इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों को मैं बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों आपको लिखना भी सिखाऊंगा, ये मैं सिखाऊंगा कि ये शब्द कैसे बना हुआ है, इस तरीके से आपको हिंदी लिखने भी आएगा और पढ़ने भी आएगा। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग एक एक शब्दों को पढ़कर देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिखा है एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था, उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। उसने राजमहल में बाग में, माने राजमहल के जो बाग था उसमें कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे, जो फल पक जाते वो तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता, जो फल पक जाते उसको तोड़कर राजा के सामने उसको प्रस्तुत कर देता, कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते, कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। उसके बाद देखिए जब राजा खुश होते हैं, कोई भी पहले बहुत सारे आप पहले की कहानियां पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि राजा जब खुश हो जाता था तो वो कुछ भी इनाम में किसी को भी दे देता था। तो वैसे ही जो माली था रोज़ तोड़ तोड़ कर पके हुए फल उसको खिलाता था, तो वो खुश होकर, कभी कभी खुश होकर वो उसे इनाम भी देता था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, एक बार बाग में आम अंगूर और नारियल के फल हुए, माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। एक बार अंगूर भी हुआ, आम भी हुआ, नारियल भी हुआ, ये सब बगीचा में फल तैयार हुआ, तो वह टोकरी लेकर, जो माली था टोकरी लेकर और बगीचा में गया और सोचने लगा कि कौन से फल आज महाराज के लिए मैं ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए, कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। और टोकरी में भरकर किसके पास पहुंचा,
राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उन दिनों राजा जो था कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में है। उसे सूचना मिली थी गुप्तचरों द्वारा कि पड़ोसी राज्य का जो राजा है वह उस पर आक्रमण की तैयारी में है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है गुप्तचर। देखिए ग में छोटी उ की मात्रा, आधा प और त, गुप्तचर, ऐसे गुप्तचर क्या पढ़ेंगे, गुप्तचर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है द्वारा, क्या लिखा है द्वारा, यानी आधा द वारा ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को द में ऐसे व देकर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, दोनों तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद देखेंगे लिखा आक्रमण, क्या लिखा है आक्रमण। तो देखिए आ क में क्या है, ऐसे पदेन र आक्र म और ये अण, आक्रमण, ठीक है। तो इस तरीका से इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, वह अब राजा का है यहाँ पे, वह इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था। राजा जो थे अब गहन सोच विचार में डूबे हुए थे। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। चुपचाप उसके सामने टोकरी रख दिए और कुछ दूर जाकर बैठ गए। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता। जो माली के ऊपर गिरता, जैसे ही अंगूर माली को लगता वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है, सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर नहीं था कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। जो सोच विचार में डूबा हुआ राजा था उसको यह नहीं पता लग रहा था कि वो किसके ऊपर अंगूर फेंक रहा, सोच में डूबा हुआ था। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। माली ने फिर से क्या कहा कि भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है। मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि भगवान तुम बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया, माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में तीन तरह के फल थे, आम अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं, भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि आपके लिए अंगूर ले चलूं
और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि वह व्यर्थ में चिंतित है। राजा जो माली का उत्तर था सोचने लगा कि वह व्यर्थ में चिंतित है। भगवान की दया से उसे उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के मंसूबों का पता चल गया है। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है पर्याप्त। क्या लिखा है? पर्याप्त प, और देखिए य के ऊपर रेफ की मात्रा है, पर्या फिर आधा प और त, पर्याप्त। उसके बाद देखेंगे लिखा है युद्ध। क्या लिखा है? युद्ध, यु आधा द और ध, या इसी को दोस्तों आप ऐसे लिख सकते थे यु द में ऐसे ध, ठीक है, युद्ध, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लिखा है धन्यवाद, यानी आधा ध और न य धन्य, सॉरी ध आधा न और य धन्य वा द ऐसे धन्यवाद। आधा ध नहीं, आधा न है, पूरा ध है, तो धन्य क्या पढ़ेंगे? धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। पर्याप्त युद्ध है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और अपना राज्य बचा लिया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दोस्तों समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं। जबकि आवश्यकता है कि अच्छे, आवश्यकता क्या है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान का धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थितियों का सामना कर मजबूत इंसान बनाने उसने हमारे सामने वे परिस्थितियां उत्पन्न की है। जब तक आपके सामने परिस्थितियां नहीं आएगी तब तक आप एक मजबूत इंसान नहीं बनेंगे। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाएंगे, सॉरी बन पाएंगे। छोटी छोटी मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का या परेशानियों का सामना करने योग्य बन पाएंगे। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। जो बुरी परिस्थितियां हैं आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। ऐसे समय में टूटे नहीं, ये साबित कर दें कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, उससे उबर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन की उबड़ खाबड़ डगर पर चलकर ही आप दृढ़ और मजबूत इंसान के तौर पर खड़े हो पाएंगे।
दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं या पुराने ही हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।